सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोना स्टार्ट अ न्यू व्लॉग, तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम जा रहे हैं घास के लिए, मैं और मम्मी, और अभी हमें जाना है बहुत ज़्यादा दूर। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। नहीं, अब यहाँ से दिख रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कि हमको कहाँ जाना है। यार इधर से तो बहुत ही गंदा दिख रहा है, जो लास्ट में आपको दिख रहा है ना घास, वहाँ पे जाना है हमको, सबसे सबसे ऊपर इधर। और हम चले हैं अपनी दादी रस्सी लेके, और हमारे माता जी फ़ोन में व्यस्त हैं। ये देखो ये टफी, जहाँ भी जाते हैं हम सबसे पहले आगे हो जाता है। इसको जितना मर्जी रोक लो ये जाएगा। और मम्मी बोलते कि तुमसे अच्छा तो ये कुत्ता भी एटलीस्ट मेरे साथ आता, तो है तुम लोगों को तो बोल बोल के करना पड़ता है, ये भी ना बोले आ जाता है। सो दोस्तों, यहाँ से ऊपर पहुँचने के लिए हमें लगेगा तकरीबन एक घंटा तो लगता ही है यार, इतना दूर है, मतलब खड़ी चढ़ाई है। अभी तो हम सड़क में चल रहे हैं ना, और ये सड़क भी अभी आई है कुछ टाइम पहले, एक साल ही हुआ होगा मे बी, और तब से लेकर हम यहीं से आते हैं। वैसे पार से होता था एक रास्ता, यहाँ से भी होता था, दो रास्ते थे, पर अब हम यहाँ से ही जाते हैं क्योंकि यहाँ से टेढ़ा टेढ़ा है ना, टेढ़ा टेढ़ा फिट्टा फिट्टा। तो हम जाएंगे अभी ऊपर और घास काटेंगे, और आज मेरे नाखून पक्का टूटेंगे। बड़ी मुश्किल से थे यार बचाए हुए, कितने महीने हो गए मेरे को बढ़ाते बढ़ाते, ये बढ़ते ही नहीं है। आज रक्षा करने की पूरी कोशिश करूँगी इनके, अगर बच जाएंगे तो लोग इधर ठीक है गाई चुप। अरे हमारी माता जी नानी के साथ गप्पे मार रहे हैं, मैंने सोचा था इनके साथ जाऊंगी तो गप्पे खुद मारूंगी इनके साथ, पर ये ऊपर तक इनके गप्पे ख़त्म नहीं होगी, देखते कहाँ तक ख़त्म होगी, दिखाऊंगी आपको ज़रूर। तो ये देखो दोस्तों, मेरे को हाथ में कुछ भी उठाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने ये देखो रस्सी को इधर डाल दिया, दराटी को इधर, बस लोग ना मिले आगे, तो जहाँ पे लोग मिलेंगे उधर मैं निकाल दूँगी, ऐसे मैं भर के रखूँगी ऊपर तक। देखिए दोस्तों, घर से लेकर मम्मी वगैरह बात करने लग गए थे, और अभी हम आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं, तो आप ही बताओ यार, ऐसे आदमी के साथ आना चाहिए घास के लिए कि नहीं। हम सोचे कि हम भी गप्पे मारे, मेरा कलिया चिक्कू बना हुआ इधर। तो दोस्तों हमने जो है इधर ये टावर दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ से नीचे थोड़ा सा हमारी मतलब हमने घास होता है इधर लिया हुआ, और यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा घास होता है कि आपको क्या बोले, यहाँ पे इतने ज़्यादा कांटे होते हैं ना, मतलब ऐसे 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 कांटे मिलेंगे ना जो कहीं नहीं हो गए वो यहाँ पे हो गए। और यहाँ पे तो ठीक है, मतलब अभी हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे जैसे तो ठीक होता घास, पर यहाँ पे बहुत हद वाहियात बोलते हैं जिसको, हद वाहियात वो होता है इधर घास, और मम्मी पता नहीं क्यों लेते हैं इस वाली घास में को, जबकि यहाँ पे इतने ज़्यादा कांटे होते हैं। अब पानी वगैरह पीते हैं और फिर लग जाते हैं अपने काम में स्टिंग। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे घास काटने के बाद, तब इंतजार कीजिए। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है। दोस्तों ना चाहते हुए भी यहाँ पे थोड़ा जैसा कट लग गया। दोस्तों ये है मेरा घास और ये मम्मी का घास, और मैंने किए 11 पुलटू और मम्मी ने किए सिर्फ 8। अब सोचो यार मम्मी का क्या होगा, मम्मी का गड का भी देखो और तेरा भी पता लग जाना भाई, मम्मी रो ज्यादा ही दे रहे हो। नहीं, और मैंने लगा दिया मम्मी के लिए भी, मैंने लगाया घास और मेरे लिए भी मम्मी नहीं यार, मम्मी ने लगाया घास और मम्मी के ऐसी जी अब चाहे जिंदगी, ऐसी जी अब चाहे जिंदगी।
देखो इसकी मशीन चल रही है अभी, यह बिल्कुल गंदा दिख रहा था। तो दोस्तों ये देखो इनके हाल, पद पाची आना तो कुछ ये तो हो गया। अब बर्थडे की बारी है, बड़ा भाई जाएगा, देखते हैं इसके हो पाएगा या नहीं। इनको काम तो कुछ है नहीं, तो ये बंदर बने रहते हैं। गोली लग रहा पूरा। गोली और देख रहा हाथ छूटा बंदा सीधा पाइप भी जड़ चुका था। एक हवा छिड़का से ऊपर क्या जाए जाए बड़ा की सुबह टांगे ऊपर से नीचे हाथ छूटा ना पादली से काम करते हो। जा जा रिवर्स जा, रिवर्स ही आना पड़ेगा बे। तू करता है आइडिया खोबा, टैलेंट बोलते हैं इसको। बंदर वाला थप्पड़ मारे इससे, ये भी तेरे को ऐसे टॉर्चर करता है। अभी देखा अभी गिरेगा नीचे, खींच अब हाथ दे। ले पकड़ पकड़ जल्दी से पकड़ वाला हाथ, अरे इसको पकड़। भाई भगना दे पकड़। वो जी देखिए आपका दिख रहा चला गया। अरे नीचे तो है पैदे, किसके नीचे लगे तेरा उल्लू बना रहा है। जीड़ी रहा उंदा करने लगा था, हट आ जा पांडी बात नीचे गिर गया ना बेटा, तब देखना एड़ा चपेड़ा हो जाना ना। कल भी गया था मेरे सामने, तेरे को भी सिखाया इसने ऐसे, तेरे को तो नहीं बोलता करने को। कितने इडियट्स लोग, इडियट्स अभी होगा ना जब लत बजेगी ना पीछे से। लत कैसे लाते नहीं है। देखे ये महा पुट पा दिए, ये पुट पा दे पचने में तो ये एक नंबर। तो दोस्तों ये इन लोगों के लिए चैलेंज है कि ये हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि इनको आता ही नहीं है, मुझे आता है पता ही नहीं है, सत्ता ही नहीं। और ये बंदा तो बिल्कुल ही हिंदी में बात नहीं करता। अब देखते हैं स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही अपनी भाषा में बोलने लगेगा ना तब हम थप्पड़ पड़ेंगे सबके एक एक। हाँ जो हिंदी में बात नहीं करेगा उसमें थप्पड़ लगेगी, ठीक है। इंग्लिश बोल सकते हैं पर इंग्लिश आती है दोस्तों इसको। तुम तो हिंदी में चुप बैठ गए, हम तो ऐसे इंग्लिश में बैठते हैं। ब्रिटिश लोग गंदे बंद ना बोलना, क्योंकि हिंदी तो सबको आती है। पर गगन ओ गगन देखना छलांग लगा दे कहीं नीचे भी, मेरे को नहीं आती हिंदी बोलनी। सुन ले सुन, पानी को जाना, पानी को जाना जाना जा रहा है तू? क्यों यहाँ नहीं बोलते, क्यों बोलते? मारो इसको, मारो मारो उसको। तो ये है बगलैना दोस्तों, बगलैना बगलैना, और हम है बजाड़, बजाड़ी बोलते हैं है ना, हम लोग है बजाड़ वाले, मतलब क्या पता नहीं। और ये है बगलैना, बजाड़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम धामी रियासत में आते हैं। रियासत बुरा लगता तेरे को अपने घर का है? ये है गुरन पीरा बाबू, बिल्कुल नहीं। सुन एक बार आया था ये, तब ये रोया था, ये रोया था कि लज्जू, लज्जी ये तो रोता ही नहीं है, इसको नहीं आती घर वालों की खासियत है। तेल तो लगाना था इसमें, कल शायद लज्जू आ रही है, कल नहीं आएगी वो, दो तीन दिन बाद आएगी क्योंकि तनिषा के पेपर। परसों आएगी लज्जू, आ जाएगी? नहीं लज्जू नहीं आएगी, पहले तनिषा आएगी। ये कौन? तो ये है मेरे भाई लोग, दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे गुंड बने हुए मेरे भाई। कुछ कहना चाहोगे? ये देखो इसनो इसनो एक कल से लेकर स्कूल से आ गया, पर ये इसने अभी तक ये जो है वर्दी का कुर्ता नहीं खोला है। वर्दी नहीं, वर्दी बोलते हैं, ड्रेस ड्रेस इंग्लिश का यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्यों बोले, वर्दी बोलते हैं। साढ़े पंजाब यही चलता रहता है, वर्दी तेरी है।